हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक नई विधि लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको राजमा बनाना सिखाऊंगी। मैंने जिसके लिए इतने सामान ले रखे हैं, तो मैं आपको सामान बता देती हूँ। देखिए, मैंने इतना राजमा ले रखा है। इसको मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह उबाल लिया है। मेरा राजमा इतना है। और मैंने ये दो पिसी हुई प्याज ली है, टमाटर, इसमें मैंने लहसुन और आधा मिर्चा पीस रखा है। मिर्चा आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। फिर मैंने लिया है जीरा, तेज पत्ता, खड़ा मसाला। खड़ा मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसको जरूर डालिएगा। ये है सब्जी मसाला, ये है हल्दी पाउडर, ये है गरम मसाला, ये है धनिया पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार आप रखिएगा। ये 5 से 6 लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपने इसको बनाने की विधि। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें इतना सरसों का तेल डाल रखा है। अब हम इसमें अपनी सारी चीजों को डालेंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा ये तेल हो गया है। इसमें सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। इसमें फिर तेज पत्ते को डालेंगे और फिर खड़ा गरम मसाला। खड़ा गरम मसाले का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है राजमे में। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसको जरूर डालिएगा आप। इसको हम अच्छी तरीके से हो जाने देंगे। जैसे ही हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो फिर हम इसमें पीसी हुई प्याज को डाल देंगे। हम अपने प्याज को अच्छे प्रकार से भून लेंगे, सुनहरा होने तक हम इसको। देखिए दोस्तों, मेरी प्याज अच्छे से हो गई है। इसको मैंने एकदम बढ़िया तरीके से भून लिया है। और अब हम इसमें जो टमाटर, लहसुन, अदरक की प्यूरी रखे हैं, उसको डालेंगे। डाल दिया और इसको 2 मिनट भून लेते हैं। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसे जो गरम मसाले, सब्जी मसाला, ये सब मैंने लिया है, मैं वो डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर देना है। देखिए, इसमें मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया था। और अब मेरा राजमा उबलने तक का हम लोग इंतजार करेंगे। जैसे ही मेरा राजमा उबल जाएगा, हम इसे बंद कर देंगे और फिर मेरा गर्मा गर्म लजीज राजमा तैयार हो जाएगा। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ खाएंगे, ये बहुत अच्छा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे राजमे में बहुत अच्छा उबाल आने लगा है। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर ये हमारा राजमा बन करके तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा देर और पका लेते हैं। अभी थोड़ा कम पका लग रहा है, पानी इसका कम पका लग रहा है। राजमा तो मैंने पहले ही पका लिया था। और ये बहुत ही कम सामान में, घर में जितने उपलब्ध सामान थे उतने में मैंने बनाया है राजमा। आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो पानी को खूब अच्छे तरीके से इसके पका लेना है, तभी ये अच्छा टेस्टी लगेगा खाने में। देखिए दोस्तों,
मेरे राजमे में बहुत अच्छा उबाल आ गया है और अब ये पूरा अच्छे तरीके से पक चुका है। हम इसे खाने के लिए परोस सकते हैं। इसके पहले मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूंगी और ये इसमें टेस्ट जो को बढ़ा देगा उसकी टेस्ट को। धनिया पत्ती ऐड कर देना है थोड़ा सा। ये मेरा बहुत अच्छा राजमा बनके तैयार हो गया है, कम मसाला कम तेल में एकदम लजीज। इसे आप चावल के साथ और रोटी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा राजमा एकदम गर्मा गर्म बन के तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं और आप लोग इसका आनंद उठाएं और अपने अनुभव जरूर मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार मित्रों।